तो मैं अखिलेश, आप देख रहे टीटी। सो आज के एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऑटो लाइकर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सो ऑटो लाइकर्स क्या होते हैं, इससे मैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ होता है दोस्तों फेसबुक से ऑटो लाइकर्स जुड़े हुए हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, मेरा एक मिनट खत्म हो चुका है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑटो लाइकर फेसबुक से जुड़ा होता है जब हमारे पास फ्रेंड्स नहीं होते दोस्तों ज़्यादा, तो हम ऑटो लाइकर को इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ऑटो लाइकर जैसे ऐप मिलते हैं हमें बाज़ार में, आई मीन प्ले स्टोर पे, जो एक मोबाइल का बाज़ार है इन शॉर्ट, उस पर मिल जाते हैं। तो हम इसे उसमें से ऑटो लाइकर को डाउनलोड करके उसको हमारा फेसबुक का आईडी देके साइन कर लेते हैं दोस्तों, साइन अप कर लेते हैं जो भी आप कहना चाहेंगे। और उसके बाद आपके एक एक फ़ोटो पे 5-5, 6-6 हज़ार लाइक्स आना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है वाह मेरे 5-5 हज़ार लाइक्स है, वाह मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसा आप करने लगते हैं, फुदक, आप खुशी से फुदकने लगते हैं दोस्तों। पर ऑटो लाइकर्स बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल होते हैं आपके फेसबुक अकाउंट के लिए, आपके हर चीज़ के लिए दोस्तों। मैं इन शॉर्ट बताने वाला हूँ आज के इस एपिसोड में, आप पॉइंट पे आते कि ऑटो लाइकर्स को मैंने आपको बता दिया कि ऑटो लाइकर्स होते क्या है। अब मैं आपको उनके बारे में बताऊँगा कि ऑटो लाइकर्स किस तरह से आपको हमारे लिए हार्मफुल होते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ऑटो लाइकर्स आप साइन अप करते हैं तो आपका ना आईडी और पासवर्ड उन्हें मिल जाता है दोस्तों फेसबुक का। तो उससे क्या होता है, वो आपसे आपके अकाउंट में एक्सेस कर सकते हैं और उस ऑटो लाइकर कंपनी से जुड़े हुए और जितने भी लोग हैं उन सबको सबको एडॉप्ट कर लेते हैं और आपके फ़ोटो पे लाइक्स की बौछार कर देते हैं दोस्तों उसी अकाउंट से। फिर आपके अकाउंट से भी आप किसको लाइक करेंगे आपको भी पता नहीं चलेगा, किसी कोई भी फ़ोटो को लाइक हो जाएगा, कुछ भी लाइक हो सकता है आपके अकाउंट की तरफ से। तो फेसबुक के पूरी तरह से पॉलिसी के अगेंस्ट है और फेसबुक इसे कहीं भी अलाउ नहीं करता है, फिर भी लोग अपने साइन अप करने के बाद उनके टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद लीगली फेसबुक कुछ भी नहीं कर सकता है दोस्तों। और आप भी लीगली कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने एक तरफे आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया होता है दोस्तों। सो ऑटो लाइकर्स वगैरह ऐप्स या फिर कुछ भी हो, इस तरह से प्लैंक ऐप्स के बारे में हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। प्लैंक्स होते नहीं हैं, आपको मिलते हैं पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ, पिछले कुछ कई वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्लैंक ऐप्स जैसे कि आयरिस स्कैनर वगैरह वगैरह, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऐसे अजीब अजीब ऐप्स आते रहते हैं मार्केट में, एक्सरे वगैरह प्ले स्टोर पर, और वो डाउनलोड करना हमेशा के लिए हमारे फ़ोन के लिए हार्मफुल होता है। और प्राइवेसी के बारे में ऑटो लाइकर्स हमेशा हमारे लिए हार्मफुल ही होते हैं दोस्तों। सो इस हमें ऑटो लाइकर्स का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई लोगों को तो कॉन्सेप्ट भी मालूम नहीं है कि ऑटो लाइकर होता क्या है दोस्तों। सो आज के इस एपिसोड में मैं आपको आपको इसके बारे में बता दिया कि ऑटो लाइकर क्या होता है और इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। पर आप ऐसे प्लैंक्स ऐप का कभी इस्तेमाल कीजिए करिए मत, क्योंकि ये हमेशा हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे मोबाइल डिवाइसेस के लिए हार्मफुल होते हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस, एंड्रॉयड मैनेजर्स वगैरह हर चीज़ के लिए। और कई ऐप सी क्लीनर वगैरह वगैरह, अब मैं पर्टिकुलर ऐप के बारे में तो बता नहीं सकता, पर ऐसे कई ऐप्स जो होते हैं ये प्लैंक होते हैं दोस्तों। अगर ऐप से नहीं जा रहे हैं क्रोम पे सर्च कर रहे हैं ऑटो लाइकर वगैरह, तो कभी मत कीजिएगा ऑटो लाइकर्स को, क्योंकि ये सच में आपके लिए हार्मफुल होते हैं दोस्तों। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, ताकि रोज़ ही आप ऐसे टेक वीडियोस देखते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।